ये न्यू कराची सेक्टर 5 ही है, और आपको बताता चलूँ कि ये खूब अंधेरा होता था यहाँ पर। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि खूब अंधेरा होता था यहाँ से। मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए रोज़ाना फजर की नमाज़ में जाता था, पूरा खूब अंधेरा, एक सिर्फ मस्जिद के सामने की लाइट जल रही होती थी। तो मैंने फिर एक वीडियो बनाई, और M&E डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर इरफान साहब और रियाज साहब के ख़िलाफ़, इरफान साहब की बहुत बड़ी नाअहली है। मैं उनको बारिशों के टाइम से, मतलब अगस्त में तो तकरीबन बारिशें ख़त्म हो चुकी थी, अगस्त में तो तकरीबन मैंने उस वक्त से उनको कहा हुआ था, सितंबर में बारिशें ख़त्म हो चुकी थी शायद, मैंने उस वक्त से उनको कहा हुआ था कि भाई ये बल्ब चेक करना है यहाँ पर, आप कम से कम चेकिंग तो करें, मसला क्या है मसला तो पता चले। ना ये चेक कर रहे थे, ना ये मुझे बोल रहे बस आप सामान लाओ, आप दे दो हम सामान लगा देंगे। अबे भाई पहले चेक तो करो, मसला क्या है मसला भी नहीं बता रहे। तो ये 2 दिन पहले बल्ब जो है जल बुझ हो रहा था, आज आए गाड़ी, मैंने वीडियो बना के वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भेजी, DC साहब को भेजी, इरफान साहब को भेजी, और 2-3 और DMC सेंट्रल के लोगों को भेजी मैंने वीडियो, और बताया भी उस वीडियो के अंदर। तो ये फिर यहाँ पर आ गया, जिन्होंने बल्ब सेट कर दिए, एक पीछे का उन्होंने चेक किया, वहाँ तार टूटे हुए हैं, वहाँ के लोगों ने कहा है कि ठीक है हम तार डलवा देंगे, मसला नहीं है। अब आगे वो बल्ब जो है वहाँ मरकरी जो है करंट से फट चुका है, और एक उससे आगे एक मरकरी वहाँ था वो भी फट चुका है। तो यहाँ पर जो है, फिर जब मरकरी फट चुका था यहाँ पर, फिर बटन और तार वो भी गायब हो गया, वो भी खींच कर ले गया। खैर वो तो चोरों की गलती है, चोर लेगा रात की तारीखी में, लेकिन मरकरी फट चुका है वहाँ पे। तो आगे मरकरी लगा हुआ है, वो जो आपको लाइट नज़र आ रही होगी मस्जिद के सामने, वो मरकरी जल रहा है। तो वहाँ आगे एक आखिरी और भी मरकरी लगा हुआ था, वो भी फट चुका है, और उसके लिए जो है बस ये इतनी पंचायत कर रहे हैं ये लोग कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नेकी का काम है, अपनी जेब से इनके नहीं जाना है, सरकारी खर्चे में से जाना है, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने मसले को अटका के रखा हुआ है। पीछे के 2 बल्ब भी बंद हैं, और वो बल्ब वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उसको चेक नहीं कर रहे हैं, मसला क्या आज तक ये भी नहीं पता चल रहा। तो आज असिस्टेंट कमिश्नर अताउर रहमान शेख साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने कहा है कि मेरे पास बल्ब मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम सामान देख के करवा देते हैं, तो बल्ब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन MNE डिपार्टमेंट में न्यू कराची टाउन के अंदर इरफान साहब एक नाअहल आदमी है,